दोस्तों, भारत देश पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कई प्रोजेक्ट्स और कई सारे डेवलपमेंट्स ने आज भारत की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, डिफेंस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और ऐसे कई सेक्टर्स में काफी बदलाव देखने को मिले। मोदी सरकार के किए गए इन प्रोजेक्ट्स से भी हटकर है भारत देश के आने वाले प्रोजेक्ट्स। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि 2023 से लेकर 2043 तक कैसा नक्शा होगा भारत देश का और 10 सालों में क्या है मोदी सरकार का नया भारत बनाने का प्लान। दोस्तों, पीएम मोदी के ऐसे 10 शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो न्यू इंडिया को दिशा देने का काम करती है। आज हम आपको इंडिया में आने वाले 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। बॉम्बे में स्थित नवी मुंबई में बनने वाला एयरपोर्ट बम्बई का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 16,700 करोड़ रुपए। हालांकि ये प्रोजेक्ट जमीन की कुछ दिक्कतों की वजह से काफी धीरे से आगे बढ़ रहा है, मगर इसके बावजूद भी सरकार का कहना है कि जनवरी 2024 तक इस प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के नाक नक्शे भी बदलने वाले हैं। यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ मुंबई के छत्रपति महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलपमेंट के लिए अनुमति दे दी है। दोस्तों, ये कोई आम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं होगी, बल्कि नई तकनीक और कड़ी व्यवस्था से इन जगहों का निर्माण होने वाला है। नंबर 2, गिफ्ट सिटी गांधीनगर प्रोजेक्ट। चमचमाती बिल्डिंगें, साफ सुथरी सड़कें, शानदार कॉरपोरेट ऑफिस, शानदार घर, लग्जरियस होटल, बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स, हाई सैलरी पाने वाले लोग और दुनिया भर का टैलेंट। भारत में एक ऐसी ही स्मार्ट सिटी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। इस सिटी का नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी कि गिफ्ट सिटी। इस गिफ्ट सिटी का सपना पीएम मोदी ने साल 2008 में देखा था। दोस्तों, गिफ्ट सिटी एक हैरत अंगेज और आधुनिक डिजाइन के बिल्डिंग से बनाया गया एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का हब है। पीएम मोदी ने ऐसी सिटी की परिकल्पना की थी जो शंघाई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और लंदन के बराबर खड़ा हो सके। स्मार्ट सिटी बनाने के पीछे का मकसद स्थानीय क्षेत्रों के विकास को साकार कर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। नंबर 3, राम जन्मभूमि अयोध्या प्रोजेक्ट। मोदी सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है जिसके नाम मात्र से ही पूरा देश गूंज उठा था। होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि 1 जनवरी 2024 तक अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार मिलेगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बनाने में कई बड़े नेता नाकामयाब रहे। उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में बन रहे राम मंदिर के बारे में हर भारतीय भली भांति परिचित है, लेकिन क्या आपको पता है इस मंदिर के निर्माण के बारे में विदेशों में क्यों चर्चा हो रही है? इस राम मंदिर के बनने के बाद दुनिया के सारे हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोग भारत की यात्रा करेंगे। ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश राज्य और अयोध्या शहर को होगा। भारत के पड़ोसी देश में नेपाल, भूटान, तिब्बत के पर्यटक ज्यादा से ज्यादा हर साल भारत आना पसंद करेंगे। नंबर 4, मुंबई टू दुबई अंडरसी ट्रेन प्रोजेक्ट। ये ट्रेन बेहद चौंका देने वाली है। अबू धाबी में आयोजित यूएई इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया है कि यूएई यानी कि पानी के नीचे 2000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। इसमें खास बात यह है कि ये ट्रेन भारत के मुंबई शहर से यूएई के फुजेरा शहर तक 2 घंटे में पहुंचा देंगी। दोनों देशों के पर्यटकों के साथ साथ यूएई में पानी का भी एक्सपोर्ट करेगी और यूएई से तेल इंपोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट के सफल होने से भविष्य में होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी सुधार होगा। नंबर 5, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चार धाम महामार्ग विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस योजना का मकसद सभी धामों को एक रास्ते से जोड़ना है। इस परियोजना से उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग की तस्वीर बदलेगी।
और इसी के साथ ही हजारों सालों से चली आ रही चार धाम यात्रा के दौरान आने वाले परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी। इस परियोजना के ढांचे और खर्चे की बात करें तो नेशनल हाईवे के तहत शुरू होने वाली इस सड़क परियोजना की लंबाई 900 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 6, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल 1380 किलोमीटर है और इसकी लागत 95,000 करोड़ रुपए। इस एक्सप्रेसवे पर 12 लेन बनाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से गुजरेगा। इसमें 380 किलोमीटर राजस्थान, 370 किलोमीटर महाराष्ट्र, 300 किलोमीटर गुजरात, 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश और 80 किलोमीटर हरियाणा से गुजरेगा। इसमें 2 कॉरिडोर भी अलग से बनाए जा रहे। इस एक्सप्रेसवे पर 3 अंडरपास और 5 ओवरपास होंगे। इसमें जानवरों के लिए अलग से एनिमल वॉक वे भी होगा। इस हाईवे पर हेलीपैड भी बनाए जाएंगे जिसमें हेलीकॉप्टर के अलावा बड़े ड्रोन भी उतारे जा सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए टोल कनेक्शन होगा। इसे बनाने में 80 लाख टन सीमेंट और 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। नंबर 7, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसकी चर्चा आज भारत के साथ पूरे विश्व में हो रही है, ये देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है और ये सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। धोलेरा स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 5,937 एकर्स में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भारत के विकास में बहुत तेजी देखने को मिलेगी। ये सिटी काफी सारे उद्योग को आकर्षित करेगी, जो कि गुजरात और भारत देश के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। नंबर 8, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत ने जापान के साथ समझौता करने के बाद साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीकी बुलेट ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की थी और सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई थी और अब इस मेगा प्रोजेक्ट की 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जहां पर अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच बस का सफर 9 घंटे और ट्रेन का सफर 8 घंटे का है। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन इस सफर को 2 घंटे में तय करेगी। इसे बनाने में लगभग 25,000 करोड़ की लागत होगी। सरकार का कहना है कि इस ट्रेन की सफलता के बाद भारत के बाकी शहरों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। नंबर 9, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य देश के जितने भी 4 लाइन हाईवे है उनको 6 लेन से 8 लेन में बदलना। इन सड़कों को इस तरह बनाया जाएगा कि विदेश के रोड भी फेल हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी हाईवे का सौंदर्यकरण और कायाकल्प हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में देश के अधूरे पर्यटन स्थल वाले गांवों और शहरों को भी हाईवे से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में भारत के कुल 20 से अधिक राज्यों को फायदा होगा, जिनमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा सभी पूर्वी राज्य शामिल हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से भारत की परिवहन व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। नंबर 10, चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट। भारत का एक और अजूबा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा है। रेलवे अधिकारियों की माने तो यह पुल दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा होगा। ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये पुल बारामूला को उधमपुर, कटरा, काजीगंज के रास्ते जम्मू से जुड़ेगा। इस पुल से होकर बारामूला से जम्मू तक का रास्ता तकरीबन 6.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। ये पुल अब एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित हो चुका है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने भारत के एंटरप्रेनर्स के स्टार्टअप को 3 साल तक टैक्स फ्री कर दिया है, जिसके चलते उन्हें तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिली। मोदी सरकार ने भारत के कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाकर एक बहुत ही बहादुरी वाला कारनामा किया था, लेकिन अब की बार मोदी सरकार का दावा है कि वह POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत में जोड़ने वाला है। मेगा प्रोजेक्ट्स और हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मोदी सरकार इंडियन करेंसीज को भी पूरे विश्व में एक ऊंचा दर्जा देने में कामयाब रहे। हाल ही की खबर के मुताबिक रशिया, श्रीलंका जैसे और 36 देशों ने ग्लोबल ट्रेड US डॉलर में करने के बजाय इंडियन रुपीस में करने की रुचि दिखाई है।
और RBI के अनुसार ये 36 देश इंडियन रुपीस में ग्लोबल ट्रेड की लेन देन कर सकते हैं। फ्रांस, UAE, सऊदी अरबिया, बहरीन, सिंगापुर, मालदीव्स, भूटान और ओमान जैसे कई देशों ने इंडिया के ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI और रुपी को अपनाने लगे। इसका मतलब ये है कि भारत के नागरिक अब इन देशों में UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार का ये भी दावा है कि भारत को 2042 तक विश्व गुरु बनाने वाले। मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन से भारत का नक्शा बदलने में कामयाब रही है और आने वाले वक्त में भी उन्हें अच्छी खासी कामयाबी मिलेगी, ऐसी आकांक्षा है। आपकी क्या राय है भारत सरकार के इन मेगा प्रोजेक्ट्स और राजनीतियों के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।